Hello students, hi and welcome to An Academy Sapiens. And students, today is Tuesday and today we are going to have our series, that is NCERT Biology One Liner for NEET 2020. Student, इस सीरीज में भी बहुत मजा आता है. यहाँ पे स्टूडेंट रैंडमली हम लोग एक चैप्टर को पिक करते हैं और उससे रिलेटेड वन लाइनर्स, जैसे कि स्टूडेंट जिसमें कि मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देता और डायरेक्टली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एंड विदाउट सीइंग एनी ऑप्शन यू आर able to recall and give me the correct answer. इससे पता चलता है कि आपकी जो NCERT पे पकड़ है, आपकी जो concept पे पकड़ है, वो कितनी अच्छी बन गई है. तो स्टूडेंट आज के सेशन में भी बहुत मजा आएगा. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट सबसे पहले बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. इफ एवरीथिंग इज ऑडिबल, ओके सर, सारा का सारा चीज बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है सर. ओके, व्हाट आई कैन सी हियर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट. नाउ जल्दी से सारे जगह लिंक को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले. ओके सर, तो मैंने अब लगभग सब जगह लिंक को ज्वाइन कर लिया है. ओके सर, एवरीबडी नाइस टू सी. ओके सो लेट्स बिगिन. अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आखिर आज कौन से चैप्टर को करने वाले हैं. तो यार अब ये सस्पेंस भी खत्म हो गया. होप आप लोगों ने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है. दैट इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ. अपने अपने एनसीईआरटी बुक को पहले बंद कर देंगे. याद देखिए सर, और सभी जगह आपको एनसीईआरटी बुक को ओपन करने बोला जाता है, बट यहां पर आपको अपने एनसीईआरटी बुक को क्या करना है, क्लोज कर देना है. विदाउट बुक देखे, विदाउट एनी नोट्स देखे आपको आंसर्स करने हैं. जो लोग भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं, माई सेल्फ डॉक्टर राजकुमार सिंह एंड आई हैव डन माई एमबीबीएस फ्रॉम रिम्स रांची. एंड स्टूडेंट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन अ लॉट. बहुत मजा आएगा क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, जिंदगी का मजा लेने वाले हैं. एंड स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन. बट सबसे पहले होता है ये हमारा अन अकेडमी का सुंदर सा, प्यारा सा, ऑसम सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द अन अकेडमी प्लस. याद देखिए स्टूडेंट, इस कोड को कभी नहीं भूलना है, आर के सर लाइव. और स्टूडेंट जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, इन प्राइसेस में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है और आपको मौका मिलता है मेरे से पूरा बायोलॉजी बिल्कुल लाइव पढ़ने का. स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी वेरी ऑसम प्लेटफॉर्म. याद देखिए आप घर बैठे नीट की तैयारियां बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड यू कैन बी वन ऑफ द टॉप रैंकर्स इन द कमिंग एग्जाम. ओके सर लेट्स बिगिन. सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं. ओके, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. जो भी जल्दी आंसर देगा उनका नाम भी मैं जरूर लूंगा, ठीक है. ओके सर लेट्स बिगिन. ये रहा पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी. चलो सर जी, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताएंगे. सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताएंगे सर. ओके, answer this beautiful question, that is the theory of the evolution by natural selection. No doubt about that, ye sabko hi janta hai ki it was put forward by Charles Darwin. But Charles Darwin ke saath ek aur person the jinhone is theory mein contribute kiya tha, aapko unka naam batana hai. चलिए सर जी, आंसर मी दिस क्वेश्चन. और अब यहां पर आंसर आने लगा है, ग्रेव रॉक, देन यू हैव गॉट योगेश. ओके वेरी वेरी गुड. देन वी हैव गॉट हियर, नहीं 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 नहीं, वर्धन. ओके सर, सो इनका नाम है अल्फर्ड वॉलेस. ओके सर, पूरा नाम है रोडोल्फ अल्फर्ड वॉलेस. तो सारे लोगों को वॉलेस जी का नाम जरूर पता होना चाहिए, ठीक है सर. इसी कारण से स्टूडेंट ये जो थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्विन एंड वॉलेस थ्योरी. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा बस डार्विन के बारे में सोचते रहते हैं, वी फॉरगेट अबाउट द वॉलेस. तो वॉलेस का नाम भी नहीं भूलना है. होप एवरीबडी गॉट दिस. तो गाइस दिस वॉज अ ऑसम स्टार्ट. Let's see the next question now on the screen for everybody. Coming up the next question, go for this. ये रहा next one. Okay sir, yes sir. चलिए सर, बिग बैंग थ्योरी के बारे में सबको ही जानता है. अब आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन कितने इयर्स पहले स्टार्ट हुआ. कम ऑन एवरीवन, आंसर मी दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड हाउ मेनी इयर्स अगो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी. एंड वर्धन कुलकर्णी, वेरी गुड. तास्मिया नूरैन,
देवाशीष क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में पूछा गया है एंड द आंसर हेयर इज गोइंग टू बी हाउ मच सर, तो 20 बिलियन, याद देखिएगा, दिस इज 20 बिलियन ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। जिन लोगों ने भी 4.5 किया, याद देखिए वो आंसर किसके लिए है, वो आंसर है हमारे अर्थ के लिए, कि हमारा जो अर्थ है इसका ओरिजिन नियरली तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। ओके सर, तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ देन दिस इज द आंसर, बट हमने पूछा था यूनिवर्स के बारे में। बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपने मिस्टेक किया है, तो गलती किया है, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। चलिए सर, लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन अगेन, गो फॉर दिस, ये रहा नेक्स्ट ब्यूटीफुल सुंदर सा क्वेश्चन। ओके सर, चल फिर से थोड़े से कुछ एज यूज के बारे में पहले बात करते हैं। आप बताइए कि एक थ्योरी है एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हाट इज द एज ऑफ आवर अर्थ, हमारे अर्थ का एज कितना है। कम ऑन एवरीबडी। ओके सर, तो हियर द करेक्ट आंसर देवाशीष दिव्या, देन वी हैव अभिलाषा रॉय, दे हैव गिवन द फास्टेस्ट आंसर हियर। व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी गलत नहीं कर सकते आप। तो यहां पर इसका जो आंसर है, दिस इज गोइंग टू बी 4000 ईयर्स अगो। ओके सर, तो ओनली एंड ओनली 4000 ईयर्स ही तुम्हारा एज है, किसका सर, हमारे अर्थ का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। जबकि हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा कि हमारा जो मॉडर्न थ्योरी है, वो क्या बताता है, वो बताता है अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आया। बट ये जो थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी बताता है कि हमारे अर्थ का एज ओनली एंड ओनली 4000। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलिए सर, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सारे लोग इसको देखेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। एवरीबडी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Who disapproved the theory of spontaneous generation? आपको बताना है who disapproved the theory of spontaneous generation, that is abiogenesis, by a special experiment, experiment का नाम याद रखिएगा मीट जार एक्सपेरिमेंट। तो मीट जार एक्सपेरिमेंट में बताना है। ओके सर, ओके कम ऑन। ओहो नहीं 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 नहीं, बहुत सारे गलत आंसर आ चुके हैं, सारे लोग यहां पर देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज द मीट जार एक्सपेरिमेंट। बहुत लोगों ने लुईस पैश्चर का नाम बताया है, बट लुईस पैश्चर का अलग एक्सपेरिमेंट है, उसका क्वेश्चन भी आने वाला है, मैं बाद में बात करूंगा। यहां पर वी हैव टॉक्ड अबाउट द मीट जार, यहां पर कि 3 मीट जार लिए गए थे जिसमें कि कुक्ड मीट के पीसेस को डाला गया था और उसके बाद एक को ओपन छोड़ दिया गया था, एक को पूरा एयर टाइट कवर किया गया था और एक को कपड़े से कवर किया गया था। तो अब आप मेरे को बताइए कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो यस, नाउ वी आर गेटिंग द आंसर हियर। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय फ्रांसिस्को रेड्डी, ओके तो ये आपको पता होना चाहिए कि मीट जार एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय फ्रांसिस्को रेड्डी। और ये थ्योरी भी वही प्रूव करता है कि भाई जो लाइफ है, दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है सर, ओके। चलो सर जी, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन। चलो अब इसका आंसर बताइए, सारे लोग, हु परफॉर्म्ड द स्वान नेक फ्लास्क, एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब इसका आंसर बताइए, हु परफॉर्म्ड द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यस सर, तो ये करेक्ट आंसर है। अब जाकर यहां पर आंसर होगा लुईस पाश्चर। ओके सर, यहां पर आंसर होगा लुईस पाश्चर। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, मीट जार एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी एंड द स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज डन बाई द लुईस पाश्चर, दोनों को ही मिस नहीं करना है। चलिए सर जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, ये रहा नेक्स्ट वन। चल
बिल्कुल अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पूछा गया है विच थ्योरी सजेस्टेड दैट लाइफ रीच द अर्थ फ्रॉम सम अदर प्लैनेट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ है, ये दूसरे जगह से ट्रेवल करके हमारे अर्थ पे पहुंचा है, इस थ्योरी का नाम बताना है। इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेम दिस थ्योरी, एवरीबडी नेम दिस थ्योरी। ओके, वेरी वेरी गुड, वी हैव ग्रेव रॉक ऑफ देश, ओके अभिलाषा, तास्मिया, स्वाति ओराव एंड वर्धान, ओके क्रेजी कैट लेडी। तो दीज आर द पीपल हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी फास्ट आंसर्स। तो स्टूडेंट, दिस थ्योरी इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको हम लोग बोलते हैं द कॉस्मोजोइक थ्योरी, या फिर द सेम थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। इसका नाम है थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। ओके, ये जो थ्योरी था स्टूडेंट, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अरहेनियस। याद रखिएगा, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अरहेनियस एंड रिच्टर। रिच्टर का भी नाम याद रखिएगा, इन दोनों लोगों ने इस थ्योरी के बारे में बताया था। ओके सर, यू शुड नो दिस, वेरी वेरी गुड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है। चलिए सर, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। नेम द गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस टेकन बाय द मिलर इन द स्पार्क चैम्बर। स्पार्क चैम्बर में जो जो गैसेस थे उनका नाम बताना है। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं बताना है। चलिए सर, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, बी क्विक, नेम द मिक्सचर ऑफ गैसेस टेकन बाय। ओके सर, सो हियर वी हैव गॉट हरप्रीत कौर, अभिलाषा, तास्मिया, और भी आंसर आइए, और भी आंसर। देखिए सर, जिन लोगों को आज भी इसमें गलतियां होती हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसे लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन इस बार भी नीट में आने वाला है। अगर नीट का एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन इस बार भी नीट में आने वाला है। आन स्टूडेंट्स, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि याद रखिए कि सबसे ज्यादा एब्यूडेंट क्या था, तो हाइड्रोजन था। आप हाइड्रोजन को ऐसे लिखिए। उसके बाद मैंने कितनी बार सिखाया, आप सी लिखिए, आप एच लिखिए, आप एन लिखिए और आप ओ लिखिए, ठीक है। और उसके बाद सबको कंबाइन करा दीजिए। तो जैसे आप एच से कंबाइन कराएंगे आंसर हो जाएगा सी एच फोर, एच से कंबाइन कराएंगे हाइड्रोजन, एन से कराएंगे अमोनिया और ओ से कराएंगे एच टू ओ। तो दिस इज द थिंग, यू आर गोइंग टू गेट दिस वेरी वेरी करेक्ट। तो कभी भी आपका गलती आंसर होगा ही नहीं। ओके सर, वेरी वेरी गुड, जितने भी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गो फॉर दिस। ओके, चलिए सर, सिमिलर क्वेश्चन अगेन। अब आपको बताना है कि जो ये तीन गैसेस थे, देखिए जो वाटर वेपर था वो तो एब्यूडेंट था, ठीक है। आपको बताना है जो ये तीन गैसेस थे, इसी रेशियो में बताना है CH4NH3 और H2 का क्या रेशियो लिया गया था इन द स्पार्क चैम्बर। कम ऑन एवरीवन, टेल मी दिस, कम ऑन एवरीवन, टेल मी दिस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट वाज द रेशियो? हियर वी हैव अवधेश सहने, ओके अब्दुल, ओके योगेश, ओके सर, वेरी वेरी गुड। तो नाइस आंसर्स कमिंग अप अगेन। याद देखिए सर, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि इसको याद करने का एक मस्त तरीका है कि जो भी तुम्हारा इवेन नंबर वाला है, इसमें इवेन नंबर है, यहां पर टू होगा, अगेन हाइड्रोजन में भी इवेन नंबर है, ये भी तुम्हारा टू होगा, लेकिन एनएस थ्री में ऑड नंबर है तो यहां पर वन होगा। तो दिस रेशियो विल बी लाइक दिस। ओके, आपको इसी तरह से इसे याद रखना है कि जहां भी आपको इवेन नंबर दिखे उसमें टू लगाना है, जहां भी ऑड नंबर दिखे वहां वन लगाना है, एंड द रेशियो विल बी लाइक दिस। ओके, वेरी वेरी गुड, एवरीबडी गॉट दिस, एवरीबडी गॉट दिस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यस बताइए, ये क्वेश्चन को बारे में बताइए। नेम फ्यू एमिनो एसिड्स, आपको कुछ एमिनो एसिड्स का नाम बताना है दैट वी आर कलेक्टेड आफ्टर 18 डेज ऑफ द मिलर्स एक्सपेरिमेंट। जब ये मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ स्पार्क चैम्बर वाला, तो 18 दिनों के बाद कुछ एमिनो एसिड्स को कलेक्ट किया गया, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? नेम एटलीस्ट फोर, एटलीस्ट फोर का नाम बताइए। कम ऑन एवरीवन, नेम एटलीस्ट फोर, नेम एटलीस्ट फोर एमिनो एसिड्स। ओके, मैंने सिखाया है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, एवरीबडी शुड नेम दिस, एवरीबडी शुड नेम दिस।
ग्लूटामिक एसिड विकास बेहरा इज नॉट अ करेक्ट आंसर। देखिए इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा एक ट्रिक बहुत बार सिखाया अपने क्लास में, आप फिर भी भूल जाते हैं। याद देखिए हमारा जो ट्रिक था वो ट्रिक क्या था, हमारा ट्रिक था गा। दिस इज द ट्रिक दैट आपको याद करना था। एंड स्टूडेंट्स यहां पर जो जी है दैट जी स्टैंड फॉर वॉट द ग्लाइसिन, जी स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, ए स्टैंड फॉर एलानीन, ए स्टैंड फॉर एलानीन, ए स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड, ए स्टैंड फॉर एस्पार्टिक एसिड, एंड द लास्ट वन ए स्टैंड फॉर अल्फा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, अल्फा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ओके सो दीज वेयर द फोर एमिनो एसिड्स दैट वेयर आइसोलेटेड आफ्टर द 18 डेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट सारे लोग मेरे इस ट्रिक को याद रखिएगा कि भाई जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है उसमें गा याद रखना है। याद रखिए जी विल नॉट स्टैंड हेयर फॉर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड पे टिक नहीं करना है। आंसर एस ग्लाइसिन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, अल्फा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ओके सर, कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गो फॉर दिस। ओके, नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोटोबायोन्ट्स, आपको प्रोटोबायोन्ट्स का नाम बताना है। चलिए प्रोटोबायोन्ट्स मतलब जस्ट लिविंग सेल से एक स्टेज पहले, यू हैव टू नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोटोबायोन्ट्स, दो का नाम बताना है। ओके सर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, नेम टू इंपॉर्टेंट प्रोटोबायोन्ट्स, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव द आंसर हियर। ओके ग्रेव रॉक, एक्सलेंट आंसर, अभिलाषा रॉय, पाकिजा, अनामिका, एक्सलेंट एक्सलेंट, ओके वेरी गुड, मेरे को लगा था बहुत सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं। यस सर, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द कोजर वेट, वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द कोजर वेट, ओके एंड द अदर वन इज नोन एज द माइक्रोस्फीयर, अदर वन इज द माइक्रोस्फीयर। ओके बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए इन प्रोटोबायोन्ट्स का नाम, मतलब इन्हीं से जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, द लिविंग सेल इज गोइंग टू कम। ओके चलिए वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गो फॉर दिस, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु गेव द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप, who gave this term the hot dilute soup for polymerization reactions taking place in the ocean, ocean mein jo polymerization reaction ho raha tha for the origin of the life that is told by the chemical evolution of the life, to usme ye hot dilute soup term kisne use kiya tha, who used the term hot dilute soup। okay mukesh bhagat, abdul halim, excellent jawab abdesh, mukesh, okay nandini, ओके सर, तो दीज आर द पीपल हु हैव गिवन द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। याद देखिए हॉट डाइल्यूट सूप टर्म वॉज गिवन बाय हेल्डन, ये टर्म दिया था हेल्डन ने। ओके ऑलवेज डू रिमेंबर दिस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ओशन में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहे थे तो इट वॉज टोटली रिसेम्बलिंग लाइक अ सूप, सूप तो यार सबको पीता है, तो बिल्कुल उसी तरह का ये देखने में अपियर करता था। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टर्म, दैट वॉज द हॉट डाइल्यूट सूप दैट वॉज गिवन बाई हेल्डन। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। ओके आपको बताना है द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द अर्लिएस्ट सेल्स, सबसे पहला जो सेल बना, द फर्स्ट सेल जो आया, फर्स्ट लिविंग सेल जो आया, उसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताना है फॉर द फर्स्ट लिविंग सेल, व्हाट वाज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, व्हाट वाज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, कम ऑन एवरीबॉडी बी क्विक, कम ऑन एवरीबॉडी बी क्विक, हियर वी हैव अभिलाषा रॉय, एक्सलेंट आंसर, देन वी हैव ग्रेव रॉक, ओके मारूफ, नहीं मारूफ गलत है, ओके सर, देन स्वाति ओराव, ओके सर, so these are the people who have again given the correct answers। याद देखिए उस समय हमारे पास water में already बहुत ज्यादा complex organic compound present था, हमारे पास carbohydrate था, protein था, lipid था, nucleic acid था, everything was present in the water itself, तो इस कारण से आपको food बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो student the answer here is going to be the chemoheterotroph, chemoheterotroph, okay
बाद में ये केमो हेटरोट्रॉप कन्वर्ट हुआ इनटू केमो ऑटोट्रॉप और उसके बाद आया फोटो ऑटोट्रॉप। तो अगर कभी अरेंज करने भूल दिया तो केमो हेटरोट्रॉप के बाद क्या आया, केमो ऑटोट्रॉप, और केमो ऑटोट्रॉप के बाद क्या आया, फोटो ऑटोट्रॉप, और फोटो ऑटोट्रॉप में भी पहले फोटोसिंथेसिस था एनऑक्सीजेनिक और उसके बाद हुआ ऑक्सीजेनिक। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। ओके, वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, गो फॉर दिस। चलिए, आपको बताना है ऐसे ऑर्गन्स के बारे में, द टाइप ऑफ ऑर्गन्स दैट इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, जो कि बताते हैं कि भाई इन ऑर्गन का जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। सर संजीत बोल रहा है, सर मेरा भी नाम ले लो सर। हाय संजीत, वेरी गुड, थोड़ा जल्दी आंसर करो ना यार। कृष्णा यादव, ओके, मारूफ हुसैन, मौली मुंडे, ओके, देखिए सर जो भी पहले आंसर कर रहा है, वी आर टेकिंग देयर नेम और नो डाउट, ओके सर। तो कॉमन एंसेस्ट्री है मतलब आप एक ही जगह से ओरिजिन करते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसके बाद आप यहां से निकलकर बाहर की तरफ चल जाते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है फॉर होमोलोगस ऑर्गन्स, कि अगर ऑर्गन्स होमोलोगस हैं तो दे विल इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री, बट दिस शोज विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन, तो दिस शोज द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके सर, वेरी वेरी गुड, अगेन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी। ओके सर, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और थोड़ा इसके बारे में बताइए। द टाइप ऑफ ऑर्गन्स दैट इंडिकेट्स एडेप्टिव कन्वर्जेंस, that indicate the adaptive convergence. Okay, sir. The type of organs that indicate adaptive convergence. Okay, sir. Akshat Rawat, Akash Rawat. Then we have Abdul. Okay. देखिए sir, यहां पर बहुत सारे लोग generally गलत करते हैं, but आप लोग नहीं करते, मेरे को पता है, you people are very intelligent. देखिए दो तरह के वर्ड्स यहां पर हैं, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर नो डाउट एनालॉगस होगा, इसका आंसर नो डाउट एनालॉगस होगा, ठीक है। अब देखिए कहां पर आप गलतियां करते हैं, ये मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक देखा है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, दैट दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। जस्ट सी स्टूडेंट्स, कि जो ये तुम्हारे एडेप्टेशन हैं, यहां दो चीज हो सकता है, ठीक है। देखो, एक होता है तुम्हारा एडेप्टिव, एक होता है तुम्हारा एडेप्टिव रेडिएशन, एक होता है एडेप्टिव रेडिएशन, ओके, और एक होता है एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एक होता है एडेप्टिव कन्वर्जेंस। तो जब आप रेडिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वन पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट ये चीज किसके लिए है, तो ये होता है फॉर होमोलोगस, ये होता है फॉर होमोलोगस, ठीक है। और जब आप कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब आप अलग अलग पॉइंट से आकर यहां पर मीट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एडेप्टिव कन्वर्जेंस वर्ड यूज होता है फॉर एनालॉगस, ओके। तो मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि बस एडेप्टिव वर्ड का ध्यान रखते हैं और वो भूल जाते हैं कि उसके बाद भी डिफरेंस है। तो याद रखिए, एडेप्टिव कन्वर्जेंस एंड एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों में ही एडेप्टिव वर्ड लगा हुआ है, बट जहां भी रेडिएशन दिया रहेगा तो होमोलोगस ऑर्गन होगा आंसर, और जहां भी कन्वर्जेंस दिया रहेगा वहां पर एनालोगस होगा। कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके सर, वेरी वेरी गुड, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट सी दिस क्वेश्चन, इसके बारे में बताइए। द सडन अपियरेंस, अगर क्वेश्चन पूछा गया है सडन रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जैसे कि मान लीजिए अ बेबी बॉर्न विथ अ टेल, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, कम ऑन एवरीवन, द सडन रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस। मयंक नागर, ओके, इजी टू लर्न, आकाश रावत, क्रेजी कैट, तास्मिया, अभिलाषा, अशोक, करिश्मा। So student, the answer for this question is going to be atavism.
अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो हमेशा सेम ही नाम ले रहे हैं जो लोग सबसे पहले बता रहे हैं। चलिए सर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सबसे बाद में आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद भी कोई आंसर करता है या नहीं करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके गो फॉर दिस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सारे लोग अब इसके बारे में बताइए, नेम द बायो ज्योग्राफिकल रियालम। हमको पता है कि हमारे अर्थ में टोटल 6 रियालम्स हैं, तो आपको इंडिया का बायो ज्योग्राफिकल रियालम का नाम बताना है। ओके सर लेट मी सी, जो सबसे बाद में आंसर देगा उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा। ओके सर, चलो सर, हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो, ऐसा मत करो कि फिर मैं नाम ले लूं, मेरे ख्याल से फिर क्विज खत्म हो गया तो फिर मैं नाम ले लूंगा सर। ओके भाई कोई आंसर ही नहीं कर रहा, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, कम ऑन एवरीवन आंसर दिस। ओके ओके सर, चलो सो हियर वी हैव मीनल, दे हैव अजमत, वी हैव सामल, वी हैव देवांश, रुपेश कुमार सिंह, कविता, बसंत, आलोक। तो भाई ये कुछ नए नाम यहां पर आए सर। यस सर, याद रखिएगा इंडिया बिलोंग्स टू द ओरिएंटल। ओके इंडिया बिलोंग्स टू विच रियालम, ओरिएंटल, नाम याद होना चाहिए, कम से कम इंडिया का याद रखेंगे, ठीक है सर। ऐसे तो 6 रियालम है, पूरा याद करना था बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसीलिए कम से कम आप इंडिया का याद रखेंगे कि इंडिया का जो रियालम है वो ओरिएंटल है, ठीक है। ओके सर वेरी वेरी गुड। नितिन सिंह, अंकित, अब्दुल हालिम, सामाल भुजादे, ओके रिसु, और भी कोई है सर, अशोक कुमार यादव, शिवेंद्र, ओके सर। तो ये लोग भाई और भी बाद में, ये लोग मेरे आंसर देने के बाद भी आंसर कर रहे हैं, तो भाई इनका नाम तो लेना बनता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये रहा नेक्स्ट वन। सारे लोग बताइए कि जो गैल्पागोस आइलैंड है ये आखिर किसके वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है, बताइए। गैल्पागोस आइलैंड्स आर द चेन ऑफ 22 आइलैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट। ओके आंसर दिस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर मी दिस क्वेश्चन। अभी तक सही आंसर नहीं आया, अभी तक सही आंसर नहीं आया, अब कुछ आंसर्स आ रहे हैं, अब कुछ आंसर्स आ रहे हैं। मेनलैंड नंद किशोर किसका, मेनलैंड किसका। ओके सर, पता नहीं सर सारे लोगों को साउथ अफ्रीका से क्या प्यार है, मेरे को पता नहीं है भाई साउथ अफ्रीका से आपको क्या प्यार है। तो याद देखिए सर, दिस इज एक्चुअली द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, इट इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। ओके सर, एवरीबडी शुड मेमोराइज दिस, दिस इज योर साउथ अमेरिका। ओके लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो बिल्कुल प्यार से, ये मजेदार क्वेश्चन है, दिस इज अ साउट आउट क्वेश्चन, दिस इज द साउट आउट क्वेश्चन। ओके इफ प्लासेंटल उल्फ इज टू टास्मियन उल्फ, इफ प्लासेंटल उल्फ इज टू टास्मियन उल्फ, देन फ्लाइंग स्क्विरल इज टू व्हाट, देन फ्लाइंग स्क्विरल इज टू व्हाट। ओके सर, कम ऑन एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। अभिलाषा रॉय हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर, अभिलाषा रॉय एक्सेलेंट आंसर, वेरी वेरी गुड। एंड देन वी हैव गॉट आकाश रावत, आकाश रावत, देन ऐश्वर्या, बहुत लोगों ने उसके बाद आंसर दिया बट सिंस दिस वॉज अ साउट आउट क्वेश्चन तो अभिलाषा। सारे लोग भाई एक बार अभिलाषा को कॉन्ग्रेट्स बोलने का है, सी इज रियली डूइंग वेरी वेल टूडे। सो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी द फैलेंजर, द फ्लाइंग फैलेंजर। ओके दिस इज गोइंग टू बी द फ्लाइंग फैलेंजर। पूरा का पूरा जो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में याद करके रखिएगा, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग अ पैरेलल इवोल्यूशन, ठीक है, कि भाई एक जगह जहां पे प्लासेंटल मैमल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पर दूसरी तरफ में मार्सुपियल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और दोनों के दोनों पैरेलली किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पैरेललिज्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। ओके वेरी वेरी गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, गो फॉर दिस। ओके
थोड़ा सा पढ़ लो भाई, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है यार, मैं क्या पढ़ूंगा, आप ही लोग पढ़ो इसको। द चेंज इन द जेनेटिक आउटकम ऑफ अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन when a few individuals leave the parent population and establish a new one elsewhere, इस condition को क्या बोलते हैं? Okay, very good. Others, बहुत कम answers आए हैं अभी तक. सबसे पहले सही answer आया है मारूफ हुसैन का. मारूफ हुसैन, excellent answer. Then आकाश रावत, okay. Then काजल वर्मा. देखो, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट. नो डाउट आपका आंसर भी सही है, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट दो टाइप के होते हैं. यहां पर जो टाइप दिया हुआ है वो टाइप तुमको दिया हुआ है द फाउंडर्स इफेक्ट. तो इसका अच्छा आंसर क्या है? द फाउंडर्स इफेक्ट. ओके, सो जिसने भी फाउंडर्स इफेक्ट आंसर दिया दे आर मोर एक्यूरेट. जेनेटिक ड्रिफ्ट भी सही है अगर फाउंडर इफेक्ट आंसर में नहीं होता, पर अगर किसी ने बॉटल नेक इफेक्ट आंसर दिया है तब तो पूरा गलत है. बॉटल नेक इफेक्ट केवल और केवल नेचुरल कैलामिटीज के लिए है, फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, उसके कारण से अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो उसे हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, ओके, वेरी गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. देवान शर्मा गुस्सा हो गया. सर मेरा नाम भी ले लो सर. हाय देवान शर्मा. सारे लोग यार प्लीज सर एक बार देवान शर्मा का नाम सारे लोग ले ले भाई. हाँ सर, स्पेशली गर्ल्स एक बार देवान शर्मा का नाम ले लीजिए सर, बड़ा खुश हो जाएगा लड़का. ही इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. ओके सर, चलिए सर, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस. ओके सर, सारे लोग इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर बताएंगे. सर ओके, नाउ आंसर मी दिस क्वेश्चन. कम ऑन बी क्विक. अबाउट हाउ मेनी इयर्स अगो डायनासोर्स सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ. ओके, चलो सर जी. हेयर वी हैव गॉट सो मेनी पीपल. ओके, नाइस टू सी. सो वेरियस पीपल हैव गिवन द आंसर हेयर. 65 माया. यस सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा दिस इज 65 माया मिलियन ईयर्स अगो. 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ. ओके सर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. और भी अगर किसी को भी नाम लेना होगा सर जरूर बोलिएगा सर. ठीक है सर, ओके. अभी इसके बारे में मेरे को कुछ याद आ गया है, मैं बात करूंगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. गो फॉर दिस. ओके, व्हिच प्रिमिटिव ह्यूमन इज बिलीव टू हैव अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 cc एंड ऑल्सो नोन फॉर द यूज ऑफ द फायर. ओके सर, ओके सर, आंसर दिस क्वेश्चन. Which primitive human is believed to have the cranial capacity of 900 cc and also known for the use of the fire? Okay, good answers coming up here. We have got Avilasa Roy again here, then Tasmiya Nuran, then Swati Orao, okay, Sruya Chain. ओके सर, सो दीज आर द पीपल. देखिए, सबसे पहले तो भाई जो ये यूज ऑफ फायर दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा एक सबसे बड़ा हिंट यहां पे दिया हुआ है. तो दिस वॉज द होमो इरेक्टस. ओके, और अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, दैट इट हैज गॉट द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 cc. ओके, बट इरेक्टस में इसके डिफरेंट वेराइटीज याद रखिएगा. एक होता है जावा मैन, एक है पेकिंग मैन. ओके, तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए. कभी कभी एग्जाम में होमो इरेक्टस के जगह जावा मैन या पेकिंग मैन का नाम दिया रहेगा. ओके सर, लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी कमिंग अप. ओके, गो फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए सर, बताइए एट व्हाट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज इवोल्यूशन अकर्स. आपको बताना है कि आखिर किस लेवल पे इवोल्यूशन अकर करता है. एट व्हाट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की.
मोहम्मद लाडले। लाडले आप तो सबके लाडले हो यार, आपका नाम सारे घर घर पे लिया जाता है। चलिए सर, सारे लोग बताएंगे मेरे को इसका कि किस लेवल पे इवोल्यूशन होता है। ओके, गुड आंसर्स कमिंग अप अगेन। हाय नंद किशोर पाटिल, ऐश्वर्या, ऐसु, हर्ष सिंह, गलत आंसर है यार, स्वाति उराव, रश्मि, ओके सर। सो सूफिया खान, सर मेरा भी नाम ले लो सर, सूफिया खान, वाह, ओके सर। लेट्स सी हियर, एट व्हाट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज द इवोल्यूशन अकर्स? तो दिस अकर्स एट द लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, एट अकर्स एट द लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, अगर पूछा जाए यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तब जाकर आप आंसर लिखिएगा इंडिविजुअल, तब जाकर आप आंसर लिखिएगा इंडिविजुअल। या देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का यूनिट इंडिविजुअल होता है, बट इवोल्यूशन का यूनिट हमेशा और हमेशा पॉपुलेशन होता है, ठीक है। ओके गुड सर, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल नॉट कम। व्हाई इट विल नॉट कम, टेल मी। We have got 130 people watching us live and only 100 likes. बताइए सर, 30 लोग, क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? Why you people are not pressing the like button? Questions खराब हैं या फिर मैं खराब लगता हूं? कुछ तो बता दो यार please, but like button दबा दीजिए please सर, जल्दी से एक बार like button दबाइए, तभी जाके अब next question आएगा सर। Come on everyone, हाँ okay. Waiting for all of you, likes, अभी तक likes बढ़े नहीं सर, इतनी कंजूसी करोगे तो फिर questions भी कम आएंगे सर, okay सर। चलिए सर जी, अब देखो, अब रगीव अलमी बोल रहा है सर, अब तो खुश हो गए। हाँ सर, ऑब्वियस है, खुशी तो बनते ही। आप बताइए कितने लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे थे, केवल 100 लाइक्स था और अब देखिए लाइक्स का नंबर बढ़ के 150 के आसपास हो गया है। मतलब 50 लोग क्लास में विदाउट लाइक किए, डिसलाइक की नजर से, खराब नजर से मेरे को देख रहे थे। बताइए मेरे को कितना खराब लग रहा होगा, जस्ट यू कैन बिलीव दिस, आप इतनी खराब नजर से मेरे को देख रहे थे। प्लीज सर, लाइक अच्छे नजर से मेरे को देखे सर, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे ये जो ट्रक के पीछे लगा रहा था ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर, ठीक है, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, फिर खराब लगेगा आपको सर, अगली बार से यहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा, ठीक है सर, ऐसा ना हो इसीलिए लाइक बटन पहले दबा दिया कीजिए। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, ये रहा नेक्स्ट वन, ओके सर, गो फॉर दिस सर, ओके। एट व्हाट लेवल ऑफ द, क्वेश्चन चेंज हो गया, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और द थ्योरी ऑफ द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर, ओके, कम ऑन आंसर मी दिस, ओके। मॉली मोंडे सर, हियर वी हैव गॉट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, दिस आंसर इज लेमार्क, इसका आंसर क्या है, लेमार्क। और कभी कभी लेमार्क के बुक का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इनके बुक का नाम, याद रखिएगा फिलोसफी जूलॉजिक, ये बुक का नाम भी कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, फिलोसफी जूलॉजिक, ओके सर। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, गो फॉर दिस। चलिए बताइए, द टाइप ऑफ सिलेक्शन विच मूव्स द मीन फेनोटाइप towards one phenotypic extreme, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, the type of selection which moves the mean phenotype towards one phenotypic extreme, okay, good, answer me this question, okay sir, maximum लोगों ने सही जवाब दिया है इस बार, that it is going to be sir type of selection that is called as the directional natural selection, isko bolte hain directional natural selection, theek hai, okay, let us see the next question on the screen, go for this, ha ab aayega asli maza, answer me this question, a shout out question for everyone,
नेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पीरियड्स इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर मेसोजोइक एरा। याद देखिएगा कौन से एरा के लिए पूछा है, मेसोजोइक एरा के लिए ही मैंने पूछा है, बस उसी का बताना है। मेसोजोइक एरा, कम ऑन आंसर मी, नेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पीरियड्स इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर मेसोजोइक एरा। ओके गुड, आकांश राज एक्सेलेंट जवाब, अवधेश अवधेश वेरी वेरी गुड। ओके सर, तो अगर आपने मेरे क्लास को किया था, अगर आपने मेरे क्लास को किया था तो मैंने एक बड़ा मजेदार ट्रिक बताया था सर निमोनिक वाले सीरीज में, तो आप वहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। परहैप्स देयर ज्वाइंट्स क्रैक, इफ यू रिमेंबर देयर ज्वाइंट्स क्रैक वॉज ट्रायसिक, ज्वाइंट्स विल बी द जुरासिक, एंड देन यू हैव गॉट क्रैक विल बी द क्रिटेशियस, द क्रैक विल बी द क्रिटेशियस। तो ये आपका सीक्वेंस है फॉर द मेसोजोइक एरा, ठीक है सर। बट याद देखिएगा केवल मेसोजोइक ही नहीं याद करना है, मेसोजोइक के बाद वाला भी याद कर लीजिएगा, पहले वाला भी याद कर लीजिएगा। मैंने इसी चैनल पे जस्ट कुछ दिन पहले निमोनिक सीरीज में ये आपको बताया था, याद होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, Let's see again the next question. Go for this. ये रहा next one. ये question अगर आपने गलत किया, अगर ये question गलत किया तो अपने आप क्लास से चले जाइएगा, ठीक है सर। आंसर बताइए, Archaeopteryx is a missing link between. ओके सर, कम ऑन आंसर दिस। हाँ वी आई पी वर्ड्स, बिल्कुल कैमल वाला ट्रिक। ओके सर, Archaeopteryx is a missing link between. चलो सर, तो अपने आप आंसर लिख लीजिए सर, जिसने भी गलत किया है सर चुपचाप पढ़ाई शुरू कर दीजिए फिर से, बहुत पीछे चल रहे हैं अगर आपको यह आंसर नहीं पता तो। This is a missing link between the reptiles and the birds. Okay. चलो सर, एक शाउट आउट क्वेश्चन देते हैं यहां पे, देखते हैं कि भाई कितने इंटेलिजेंट है आप, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है सर। हु गेव द टर्म फॉर द बर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, किसने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला, कम ऑन टेल मी, Who gave this term for the birds as glorified reptiles? Come on, everyone. Who gave this term that birds are nothing but glorified reptiles? अभी तक आंसर नहीं आया है sir. Waiting for the answers. We got an answer here. देवजीत दे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड दिस टर्म वॉज गिवन बाय हक्सले। याद रखिएगा ओके, द हक्सले जी ने बोला था कि जो ये बर्ड्स हैं दे आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स ही इवॉल्व करके क्या बने हैं, द बर्ड्स बने हैं। ओके सर, ओके वेरी वेरी गुड, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, विच ऑफ द स्टडीज, आपको यहां पर साइंटिस्ट का नाम बताना है, जिसने कि पॉपुलेशन पे स्टडी किया था और दिस इंफ्लुएंस द वर्क ऑफ द डार्विन। ओके सर, कम ऑन नेम दिस हियर। ओके सर, विच ऑफ द स्टडीज ऑन द पॉपुलेशन इंफ्लुएंस द वर्क ऑफ द डार्विन। ओके सर, काजल वर्मा एक्सेलेंट आंसर, तास्मिया इट इज नॉट वालेस मैडम, दिस इज अ रॉन्ग आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके सो दिस एसे वॉज गिवन रिटन बाय द माल्थस, याद देखिएगा ये माल्थस जी हैं, माल्थस का जो ऐसे था ऑन द पॉपुलेशन, दिस इंफ्लुएंस द वर्क ऑफ द डार्विन। ओके सर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। ये इजी क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, ठीक है,
जिसको नहीं पता, नेम द साइंटिस्ट जिसने कि चूहे के रैट के टेल को बहुत जनरेशन तक काटा, उसी ने ये थ्योरी दिया था। चलिए सर अब बताइए इसका आंसर। द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाय अनामिका, ओके श्रेया, राजा गुप्ता, अब्दुल, निकिता, ओके सर। So the answer here is going to be the Westman. Answer here is the Westman. Answer here is the Westman. Okay. Next question. ध्यान दीजिएगा सर इस question को। अच्छा ये एक numerical है, तो now you need to solve this out. सारे लोग इस numerical को थोड़ा solve करेंगे सर। A population consist of 9% white sheep, okay, and 91% black. What is the frequency of black wool allele? आपको allele का frequency पूछा गया है। If the black wool allele is dominant, okay sir, इतने से आपका बन जाएगा। बनाइए, बनाइए sir. Everybody answer this. Everybody solve out this. Everybody solve this. सब कुछ बता दिया है आपको। Hope आप लोग यार pen और paper लेके बैठते हो, हाँ sir? ऐसा तो नहीं कि बस बैठ जाते हो सर। आंसर बताइए। वेरी गुड आंसर्स कमिंग अप हियर। तो क्रेजी कैट लेडी, नान किशोर एंड हर्ष वर्धन, आई थिंक देयर आंसर इज करेक्ट, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन यहां पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन यहां पे दिया गया हुआ है 9% व्हाइट है, ठीक है, और व्हाइट एलिली कैसा है, व्हाइट एलिली तुम्हारा रिसेसिव है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन सेटर है टोल्ड यू अबाउट द Q स्क्वायर, उसने आपको Q स्क्वायर के बारे में बताया हुआ है। तो Q स्क्वायर हियर इज 9%, दैट विल बी 9/100, दैट इज गोइंग टू बी 0.09। तो अगर Q का वैल्यू निकालेंगे यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3। तो P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू हो जाएगा 0.7, और शायद क्वेश्चन में यही पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लैक होल, तो ब्लैक होल इज अ डोमिनेंट, मतलब P का वैल्यू है 0.7। ओके सर, सो द आंसर हियर विल बी 0.7। जिसका भी आंसर 0.7 आया है उनका आंसर सही है। ओके सर जी, वेरी वेरी गुड, 0.7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सर, लेट्स बी फास्ट बिकॉज वी हैव द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, बट टाइम है अभी, कोई बात नहीं है। ओके सर, हु इज बिलीव्ड टू हैव यूज्ड द हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए सर सबसे पहली बार कपड़े पहनना किसने शुरू किया, एंड हु बरीड देयर डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, हु बरीड द डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके सर जी, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, आंसर मी दिस। आकाश रावत, तास्मिया, राजा गुप्ता, वीआईपी, वाह आकाश रावत, हर्ष सिंह, कुछ नया नाम यार, सुमन, हाय रश्मि, ओके कुछ नए नाम, मिस्टर स्टॉम, वाह श्रेया, शिवम, शिवम शर्मा, बसंत कुमार, रुपेश कुमार सिंह, ओके सर। वी हैव एलिसा, सैम दीक्षित, सूफिया खान, निशा कुमारी, नंदनी कुरे, ओके थैंक यू एवरीवन, यू ऑल पीपल आर ऑसम, एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द नियंडरथल मैन। ओके सर, सबसे पहली बार ये काम नियंडरथल मैन ने स्टार्ट किया। Which period is also called the age of the invertebrates? कौन सा period age of the invertebrate भी कहलाता है? बताइए। Which period is also called the age of the invertebrates? Come on everyone. सूफियान खान बोल रही है सर, सूफिया नहीं सर, सूफियान खान, अच्छा अच्छा, अरे भाई अब नाम में क्या रखा है सर। चलिए सर जी, विच पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ओके गुड आंसर्स कमिंग अप। हर्ष सिंह हेयर, अब्दुल हलीम अगेन, तास्मिया, सरस्वती कुमारी अ न्यू नेम हेयर, देन सुमन, ओके ओके सर। तो दीज आर द गुड पीपल हु आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड द ऑर्डोविसियन, याद रखिएगा दिस इज योर ऑर्डोविसियन, सारा का सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके सर, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। विच टाइप ऑफ ऑर्गन इज रिलेटेड टू द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ द मैमल, ये किस टाइप का है, होमोलोगस या एनालोगस, होमोलोगस या एनालोगस, कम ऑन, कम ऑन, गिव मी द आंसर हियर।
दिस इज होमोलोगस और एनालोगस, जल्दी से बताइए, टाइम खत्म होने वाला है. विच टाइप ऑफ ऑर्गन इज रिलेटेड टू द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ द मैमल. ओके सर, तो मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका, दैट दे आर द एनालोगस. ओके सर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इस बार नीट में आ सकता है. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो अपियर इन द नीट एग्जाम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस. What is the most important criteria? Most important criteria for speciation. मतलब formation of new species के लिए सबसे ज्यादा important criteria क्या है? One term. Give me a one term. Give me a one term for the most important criteria for speciation. Okay, sir. ओके, कम ऑन, अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं आया है. ओके सर जी, एवरीबडी गिव मी वन टर्म. एक्चुअली आंसर आया है बट मैंने बताया नहीं है. ठीक है सर, ओके. सो वी हैव गॉट हियर वन गर्ल जो कि हमेशा आंसर देती है तो इसीलिए उसे छोड़ देते हैं. हियर वी हैव सीमा मौर्या. सीमा मौर्या, एक्सेलेंट आंसर हियर. सो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि स्पीसिएशन हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ओके सर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है सर, सारे लोगों को ये जरूर और जरूर पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर नहीं होगा तो कभी भी नए स्पीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके, गुड वन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. गो फॉर दिस क्वेश्चन. भाई बहुत बड़ा है यार, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसे. कम ऑन एवरीवन, देखिए तो क्या है सर. अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ द ट्री लिव्स इन अ प्लेस वेयर द एनवायरमेंट इज मोर एरिड. ओके सर, द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स हैज बीन डिक्रीजिंग. जो लीव्स का एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है इन द सक्सेसिव जेनरेस. This is a type of which type of natural selection? आप बताइए कि ये किस टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है. You have to tell me the type. Okay sir, you have to tell me the type. Okay. Okay sir, now few people have given us the correct answer here. तो भाई ये question क्या था कि आप देख रहे हो कि the area जो leaf का है वो घट रहा है. हमारे पास तीन extreme हो सकते हैं, एक leaf का बड़ा size, एक leaf का छोटा size और एक leaf का average size. तो अगर average size होता तो ये stabilizing होता, अगर स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है तो ये डायरेक्शनल है, और अगर ये दोनों है, स्मॉल भी है और लार्ज भी है, तो ये डिसरप्टिव है. बट क्वेश्चन में बताया गया है द लीव्स हैज बीन डिक्रीजिंग, तो अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्शनल है, मतलब ये एक साइड शिफ्ट हो रहा है. दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शनल नेचुरल सेलेक्शन. ओके सर, ओके, वेरी वेरी गुड. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. गो फॉर दिस. ओके, डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डार्विन थ्योरी. डार्विन थ्योरी का दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए. ओके, वी हैव हियर द आकाश रावत. ओके, then we have got the Tasmiya Nuran. Excellent answers. Okay sir, so दो important, एक तो सबको पता है, एक हमेशा सबको याद रहता है, that is the natural selection. और दूसरा student होता है something called as what, दूसरा होता है the branching descent. okay sir. चल, let's see this once you got this correct. Next one, let us see the next coming up question on the screen for everybody. ये रहा next question. चलिए ध्यान से देखिए. What time period is expected for prehistoric cave arts to begin? Okay sir,
इसके बारे में बताइए। एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट टाइम पीरियड इज एक्सपेक्टेड फॉर द प्री हिस्टोरिक केवाट्स, फॉर द प्री हिस्टोरिक केवाट्स। ओके सर, ओके, वेरी गुड। मारूफ हुसैन देवासीस, वेरी वेरी गुड। दिस इज गोइंग टू बी द 18,000। ओके सर, दिस इज गोइंग टू बी 18,000 ईयर्स अगो। ओके सर, एंड याद रखिएगा, दिस वॉज स्टार्टेड बाई होम सर, तो दिस वॉज स्टार्टेड विद द क्रो-मैग्नन मैन, दिस वॉज स्टार्टेड विद द क्रो-मैग्नन मैन। आपको बिल्कुल अच्छे से ये पता होना चाहिए। होप एवरीबडी गॉट दिस। ओके सर, जस्ट वेट अ लिटिल बिट स्टूडेंट्स। ओके सर, देयर वॉज अ अलार्म रिंगिंग एट द बैक, देयर वॉज अ अलार्म रिंगिंग एट द बैक। ओके सो व्हाट टाइम पीरियड इज एक्सपेक्टेड फॉर द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स टू बिगिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन। तो याद देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द क्रो मैग्नन मैन 18,000 ईयर्स अगो। चलिए सर, नाइस वन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। चलिए, ये तो इजी क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। What is the correct name of the ship of Darwin during his sea voyage? Okay sir, iska naam bataiye. What is the correct name of the ship of the Darwin during his sea voyage? HMS Beagle, HMS Beagle. Okay sir, yes sir, HMS Beagle ka naam aapko yaad hona chahiye. Okay, HMS Beagle. Let us see again the next question. Let us see again the next question for everybody. Okay, sir. Name the connecting link between Annelida and the molluscus. Kya aap connecting link bata sakte hain between Annelida and mollusca? Okay, sir. Go for this. Connecting link between the Annelida and the mollusca. Name the connecting link between the Annelida and the mollusca. Okay, sir. Excellent answers coming up. That is the Neoplina. Okay. Neoplina will be the answer for this question. Neoplina will be the answer for this question. Next one. Let's see here. The answer dekhiyega. Ancestor of a man with narrow nose, prominent chin, omnivorous in habit, with cranial capacity 1680, ये आपका यहां कैचिंग पॉइंट है, एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ थ्रू द स्कल्पचर एंड द पेंटिंग। तो भाई आप एक बार में बता सकते हो, एक बार में बता सकते हो क्या आंसर होगा इसका? ओके सर, अब्दुल हालिम, वेरी वेरी गुड। आकाश रावत, दिस इज गोइंग टू बी द होमो सेपियंस फॉसिलिस, दिस इज गोइंग टू बी द होमो सेपियंस फॉसिलिस। Now, मैंने ये इसलिए बताया कि भाई आप एक चीज और जान ले, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है क्रो मैग्नन मैन। ओके सर, इसी का नाम है क्रो मैग्नन मैन। तो कहीं भी फॉसिलिस टर्म यूज किया रहेगा तो समझ जाइएगा दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रो मैग्नन मैन। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके सर, तो नाउ इट इज द एंड ऑफ द टुडेस क्लास बिकॉज ऑलरेडी 4 PM हैज क्रॉस्ड एंड वी हैव अ केमिस्ट्री क्लास ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स सारे लोग, होप एवरीबडी एंजॉयड। अब हम लोग कब मिलेंगे? अब हम लोग मिलेंगे आज रात में 9:30 जो हमारा टॉपिक चल रहा है, दैट इज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड दैट सीरीज इज फॉर ऑपरेशन 2021। लेकिन 2020 वाले भी, जिनको भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं 9:30 में। वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन द सेम चैनल एंड नाउ यू कैन ज्वाइन आवर केमिस्ट्री क्लासेस। ओके सर, और इस कोड को नहीं भूलना है। और यार जल्दी से जल्दी याद देखिए सर, ये जो हमारा मंथ स्टार्ट होगा ना, जो कि अगस्त का, तो अगेन 1st of August से नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए अगर आपको नए बैच को ज्वाइन करना है आइदर फॉर 1 year और फॉर 2 year, तो अब आपको सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए बिकॉज प्राइसेस बहुत कम है एंड टीचर्स यहाँ पे जो है ना वो एकदम ऑसम से हैं। ठीक है सर, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, मीट यू एट 9:30 PM अगेन। ओके बाय।